नमस्ते, मैं कल्पना। रसोई संसार चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं बिरिया। मूंग को भिगो के अंकुरित कर लेते हैं, उसे ही हम बिरिया कहते हैं। लेकिन हमने इसमें चना और मोठ भी मिलाया है, जो कि प्रोटीन से भरपूर होते हैं। तो आज हम इनकी पौष्टिक चाट बनाने वाले हैं। तो चलिए आइए बनाते हैं। तो प्रोटीन से भरपूर चाट बनाने के लिए हमने एक दिन पहले ये एक कटोरी चना लिया है, वो इसमें डाल देंगे एक बड़े बर्तन में। और एक कटोरी मोठ और मूंग ले लेंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे, फुल फिल कर देंगे। इसे हमें भिगोना है करीब 5 से 6 घंटे। और ये देखिए, अच्छे से फूल गए हैं, बड़े हो गए हैं। और अब इन्हें अंकुरित करने के लिए एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, उसमें हम डाल देंगे। और अच्छे से हमें टाइटली बांधना है ताकि ये अंकुरित हो जाए। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से बांध लिया है और अब इसे पूरी नाइट रख देंगे, अगर हम मॉर्निंग में बना रहे हैं तो। तो देखिए, ये अंकुरित हो गए हैं। ये चने को अंकुरित होने में थोड़ा टाइम लगता है और ये मूंग जल्दी अंकुरित हो जाते हैं और इसमें मोठ भी है। इन्हें बनाने से पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ा देंगे, उसमें डालेंगे तेल। तेल गरम हो जाए उसके बाद 1/2 चम्मच जीरा, बारीक कटे हुए प्याज। इन प्याज को फ्राई होने देंगे। तो ये प्याज फ्राई हो चुके हैं और अब इसमें हम ये डाल देंगे चना, मूंग मोठ अंकुरित। इसे थोड़ा 2 मिनट तक हम इसमें ही भूनेंगे। अभी आपको ये कम लग रहे होंगे, अंकुरित चना मूंग मोठ, ये हमने एक कटोरी कच्चे ही निकाल दिए थे। बच्चे इसे ऐसे ही खा लेते हैं क्योंकि ये बहुत पौष्टिक होते हैं। हमें इसमें अगर सोयाबीन पसंद है तो हम सोयाबीन भी डाल सकते हैं भिगो के। अगर आपको चने की मात्रा कम पसंद है तो चने कम डाल सकते हैं। हमने इसमें मूंग मोठ और चना डाला है अंकुरित करके। अगर इसे फ्राई नहीं करें तो हम इसे में सादा नमक मिर्च डाल करके भी खा सकते हैं। पौष्टिक और चटपटी चाट बना रहे हैं तो इसी तरीके से बनाएंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी। इसमें डालेंगे, आप अपने अनुसार नमक डाल सकते हैं। हम इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल रहे हैं। थोड़ी देर पकाएंगे। 2 मिनट पकाने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 5-7 मिनट तक पकाना है। हम ऐसे खुला ही इसे पकाएंगे। तो इसको पकाने से पहले हम इसमें नींबू का रस भी ऐड कर देते हैं। यह हमने 1 नींबू का रस डाल दिया है इसमें। तो देखिए, अब इसे हम चेक कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा करके और हम इसे फोड़ के देखेंगे। ये सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। बस हम इतना ही सॉफ्ट करेंगे इसे। और अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर। ये हम 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं इसमें। तो देखिए, इसका थोड़ा सा पानी ख़त्म हो गया है और अब ये बिरिया अच्छे से पक गए हैं। इसे गैस को बंद कर देते हैं। तो अब ये सर्व करने के लिए रेडी हैं। हम इसे प्लेट में डालेंगे और आप मन पसंद इसमें मसाले डाल सकते हैं, चाट बना सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। हम इसमें ऊपर से कटे हुए प्याज और कटे हुए टमाटर डालेंगे। अगर नींबू ज़्यादा पसंद करते हैं तो हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, नमकीन भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हमारे पौष्टिक चाट रेडी है। हम इसे सुबह के ब्रेकफास्ट के रूप में ले सकते हैं और लंच में भी ले सकते हैं और ये बहुत हेल्दी होता है। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारा वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।
बाय।